आज की इस वीडियो में जानेंगे गेट का सभी यूजेस कैसे किया जाता है, गेट का यूज हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से करते हैं। गेट मीन्स होना, होना मीन्स चेंज ऑफ स्टेट, स्थिति में बदलाव होना। एग्जाम्पल है, अंधेरा हो रहा है तो सेंटेंस बनेगा इट इज गेटिंग डार्क। यहाँ पर हो रहा है इसलिए यहाँ पर आपका गेट का गेटिंग हुआ है, और होना के लिए यूज किया गया है गेट। बच्चे जवान हो रहे हैं, सेंटेंस बनेगा द चिल्ड्रन आर गेटिंग यंग। यहाँ पर गेटिंग का मतलब है हो रहे हैं, इस पर से आप देख सकते हैं, और स्थिति में बदलाव हो रहा है। जैसे आप बोल सकते हैं कि पुल पुराना हो रहा है, द ब्रिज इज गेटिंग ओल्ड। तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। गेट मीन्स होना, लेकिन होना के लिए कैसे होगा ये देखिए। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं कोई चीज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, खुश हो गया, दुखी हो गया, ऐसे हम बोलते हैं। तो सेंटेंस बनेगा आई गॉट शॉक्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया। जब मैंने उसे पैसे दिया वो खुश हो गया, तो सेंटेंस बनेगा When I gave him money, he got happy. He got happy means वो खुश हो गया। तुम दुखी हो गया, you got sad. ऐसे हम sentences बना सकते हैं। और ध्यान रहे कि यहाँ पर आपका get के बाद आपका कोई adjective use हुआ है कोई चीज होने के sense के लिए। Happy भी आपका adjective है और shocked भी आपका adjective है। गेट का मतलब होगा कोई काम करवा देना, कोई काम किसी से करवा देना, मतलब आप वहां पर गेट का यूज करेंगे। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा मतलब है कि मैं कोई काम करवा दूंगा, मैं कोई काम करवा दूंगा। तो सेंटेंस बनेगा आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं इस रूम को साफ करवा दूंगा। आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, इस पर हम बना सकते हैं। वो यह रूम साफ करवा देगा, सेंटेंस बनेगा ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। तुम आम तोड़वा दोगे, यू विल गेट द मैंगोज प्लग्ड। यहाँ पर ध्यान रहे कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद आपका वी थ्री आएगा, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर यहाँ पर आपका गो आ रहा है तो गो का थर्ड फॉर्म गोनोस आएगा, अगर प्ले आ रहा है तो प्ले का थर्ड फॉर्म आपका प्लेड हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। गेट का मतलब होगा लाना, गेट का इसे मतलब आप समझते हैं लाने के लिए, लेकिन लाना का इंग्लिश होता है गाइस ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना होता है, लेकिन यहाँ पर आप गेट का भी मतलब लाना सीखेंगे। जैसे उसने ग्लास पानी लाया, सेंटेंस बनेगा ही गोट अ ग्लास ऑफ वाटर। ही गोट उसने लाया अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी। हम यहाँ पर गोट के जगह पर ब्राउट भी कर सकते हैं, ही ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने ग्लास पानी लाया। मतलब आप गेट बोले या ब्रिंग बोले बात एक ही है, लेकिन अभी आपको सीखना है ब्रिंग के जगह पर गेट का यूज। वहां से कुर्सी लाओ, सेंटेंस बनेगा गेट अ चेयर फ्रॉम देयर। हम इसे बोलते हैं ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम देयर, लेकिन अभी हम सीखेंगे गेट अ चेयर फ्रॉम देयर। गेट का मतलब होगा टू बाय, मतलब खरीदना, खरीदना के लिए हम यूज करेंगे गेट का। जैसे कि बोलते हैं उसने कार खरीदा, तो सेंटेंस बनेगा ही गोट अ कार, लेकिन अगर बाय से बनाए तो सेंटेंस बनेगा ही बॉट अ कार, ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदा। अभिषेक ने कुछ सब्जियां खरीदा, सेंटेंस बनेगा अभिषेक गोट सम वेजिटेबल्स, अभिषेक गोट सम वेजिटेबल्स, अभिषेक ने कुछ सब्जियां खरीदा। हम यहाँ पर बाय से भी बना सकते हैं अब अभिषेक बॉट सम वेजिटेबल्स। गेट का मतलब होगा समझना, समझना के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं अंडरस्टैंड, लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे गेट। जैसे कि हम बोलते हैं मैं यह मामला समझ गया, सेंटेंस बनेगा आई गोट दिस मैटर, या फिर आई अंडरस्टूड दिस मैटर। अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म आपको यूज करना होगा अंडरस्टूड। मैं नहीं समझा
तुम क्या कह रहे हो? सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। लेकिन समझने के लिए अंडरस्टैंड लिखे, शायद यहाँ पर हम गेट लिख सकते हैं कि आई डिड नॉट गेट, मैं नहीं समझा व्हाट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो या फिर तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं। आगे है गेट, गेट का मतलब होगा पहुंचना। जैसे पहुंचने के लिए हम बोलते हैं रीच, लेकिन यहाँ पर हम सीखेंगे गेट मतलब पहुंचना। जैसे कि मैं 15 मिनटों में बाजार पहुंच गया, तो सेंटेंस बनेगा आई गो टू मार्केट विद इन 15 मिनट्स। यहाँ पर हम बोल सकते थे आई रीच्ड द मार्केट विद इन 15 मिनट्स। ध्यान रहे कि गोट अगर आप यूज करते हैं तो टू यूज करना होगा, और रीच्ड यूज करेंगे तो टू यूज नहीं करना है। वो ऑफिस 9:30 बजे रोज पहुंचता है, ही गेट्स टू ऑफिस एट 9:30 एवरी डे। यहाँ पर आपका गेट्स मतलब पहुंचना हो गया। गेट मीन्स होगा पाना, प्राप्त करना या मिलना, तीनों कुल मिलाकर एक ही है, लेकिन हिंदी में हम लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो सेंटेंस बनेगा मुझे एक नौकरी मिला, मतलब यहाँ पर मिलना के लिए यूज होगा। सेंटेंस बनेगा आई गोट अ जॉब, मुझे एक नौकरी मिला। उसने एक पत्र प्राप्त किया, प्राप्त करने के लिए बनेगा ही गोट अ लेटर। ही गोट अ लेटर, उसने एक पत्र प्राप्त किया या फिर उसने एक पत्र पाया, ऐसे भी बोल सकते हैं। मुझे समय नहीं मिला, सेंटेंस बनेगा आई डिडंट गेट टाइम। आई डिडंट गेट टाइम, मुझे समय नहीं मिला। तो ऐसे में हुआ कि कई सारे बना सकते हैं आसान तरीके से। गेट मतलब हो जाएगा दिलवाना। दिलवाना के लिए भी हम यूज करते हैं गेट का। जैसे कि मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, सेंटेंस बनेगा गेट मी सम मनी। गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। मुझे चॉकलेट दिलवा दो, गेट मी अ चॉकलेट। गेट मी अ चॉकलेट, मुझे चॉकलेट दिलवा दो। वो तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा, ही विल गेट यू अ फोन। ही विल गेट यू अ फोन, वो तुम्हें फोन दिलवा देगा, मोबाइल दिलवा देगा। ऐसे वाक्य बना सकते हैं। गेट मीन्स कमाना। कमाना के लिए हम लोग बोलते हैं अर्न, लेकिन यहाँ पर समझेंगे गेट मीन्स कमाना। वो 20,000 रुपये महीने कमाता है, सेंटेंस बनेगा He gets rupees 20,000 per month. इसी प्रकार से उसने बहुत सारे पैसे कमाया, सेंटेंस बनेगा He got lots of money. Lots of money, बहुत सारे पैसे। गेट टू का मतलब हो जाएगा मौका मिलना, मतलब कि टू गेट अ चांस। मौका मिलना के लिए हम यूज करते हैं गेट, और गेट के साथ टू लगाते हैं। मुझे आपसे बातें करने का मौका मिलता है, आई गेट टू टॉक टू यू। आई गेट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है। उसे रोज स्टेज पर जाने को मिलता है, सेंटेंस बनेगा ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज डेली। गेट यूज टू का मतलब होता है आदत हो रहा होना, मतलब कि द प्रोसेसिंग ऑफ हैबिट। द प्रोसेसिंग ऑफ हैबिट मीन्स आदत हो रहा होना। आदत अभी हुआ नहीं है, आदत अभी होने वाला है, हो रहा है, धीरे धीरे आप बोल सकते हैं कि धीरे धीरे आदत हो रहा है, आदत होने के कगार पर है। सेंटेंस बनेगा राहुल अंग्रेजी बोलने का आदि हो रहा है। सेंटेंस बनेगा राहुल इज गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। ध्यान रहे कि गेटिंग यूज टू जो आप यूज करेंगे, इसके बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। वो शराब पीने का आदि हो रहा है, ही इज गेटिंग यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, या फिर ड्रिंकिंग वाइन के जगह पर आप सिर्फ ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं। ही इज गेटिंग यूज टू ड्रिंकिंग, वो शराब पीने का आदि हो रहा है। गेट मतलब होगा कोई बीमारी होना, मतलब कि कोई डिजीज होना। जैसे कि आप बोलते हैं उसे बुखार हो गया, सेंटेंस बनेगा ही गोट फीवर। ही गोट अ फीवर भी बोल सकते हैं। रमेश को कैंसर हो गया, रमेश गोट अ कैंसर। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। गेट मीन्स होना, गोट मीन्स हो गया, ऐसे आप समझेंगे।
गेट का मतलब होगा पजेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब पास है के सेंस के लिए। सेंटेंस बनेगा उसे एक कार है, ही हैज अ कार, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम गेट यूज करेंगे तो बोल सकते हैं ही हैज गोट अ कार, ही हैज गोट अ कार, उसके पास एक कार है या फिर उसे एक कार है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन जनरली हम लोग बोलते हैं ही हैज अ कार, लेकिन आप यहाँ पर इसके स्थान पर आप ही हैज अ कार के जगह पर ही हैज गोट अ कार भी बोल सकते हैं। अमन को एक बाइक है, अमन हैज अ बाइक, या फिर अमन हैज गोट अ बाइक, दोनों सेंटेंस आपका सही है। गेट यूज्ड टू मतलब आदत हो चुका है, हैबिट हो चुका है। सेंटेंस बनेगा सुमन को 15 घंटे तक पढ़ने का आदत हो गया है। सेंटेंस बनेगा सुमन हैज गोट यूज टू स्टडिंग फॉर 15 आवर्स, उसे मोबाइल चलाने का बहुत आदत हो गया है। सेंटेंस बनेगा ही हैज गोट यूज टू यूजिंग या फिर ऑपरेटिंग अ फोन अलॉट, अलॉट का मतलब बहुत ज्यादा या बहुत। गेट का मतलब होगा इजाजत मिलना, टू ऑब्टेन। सेंटेंस बनेगा रवि को यहाँ कार पार्क करने की इजाजत मिला। सेंटेंस बनेगा रवि गोट अ परमिशन टू पार्क अ कार हेयर, ऐसे हम बोल सकते हैं। उसके भाई को एक मोबाइल खरीदने की इजाजत मिला है, हिज ब्रदर हैज गोट परमिशन टू बाय अ मोबाइल। सेंटेंसेस काफी आसानी से बनाए जा रहे हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।